अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वेट स्केल की रिपेयरिंग सीखेंगे। इसमें दो प्रॉब्लम आ रहे हैं, एक तो स्क्रीन के ऊपर LB शो करना शुरू हो जाता है, उसके अलावा जो है इसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। आज हम ये दोनों चीज़ों की रिपेयरिंग सीखेंगे। पता चलूँ कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को रिपेयरिंग सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप हमें कैलिब्रेशन के साथ साथ कनेक्शन और रिपेयरिंग वगैरह भी आप हमें सिखाएं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यानी आमतौर पर ACS जो आमतौर पर इस तरह के प्राइस कंप्यूटिंग स्केल है उसमें ये अक्सर प्रॉब्लम आती है लो बैटरी की, LB की। अभी आप देखेंगे यहाँ पर लो बैटरी आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये LB की ऑप्शन आई थी। ये आमतौर पे कभी कभी आके चली जाती है और कभी जो है ये बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें बार बार ये लो बैटरी आ रही है और चली जाती है, कभी अक्सर जब आती है तो वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, वो लो बैटरी ही रहती है और उसके ऊपर कोई वजन वगैरह कोई भी शो नहीं होता है। तो इसमें क्या मसला होता है, ये जो मसला होता है आमतौर पे अक्सर इसकी बैटरी का मसला भी होता है, बैटरी लो होती है, और उसके अलावा अक्सर ट्रांसफार्मर का मसला भी होता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो बैटरी को वोल्टेज पूरी तरीके से नहीं दे रहे होते हैं। तो अभी जो ये आ रहा है कि तो अभी मैं जो ये मसला आ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर हम कोई भी चीज लिख देते हैं और ये देखें ये लो बैटरी आ गई है। थोड़ा सा भी ये वर्किंग करेगा उसके बाद ये हैंग हो जाएगा और LB की ऑप्शन बार बार ये आना शुरू हो जाएगी। तो इसका जो मसला है ये LB दोबारा आ गया है। तो ये जो मसला है, ये जो इसमें मसला आ रहा है, ये आमतौर पे अभी जो है मुझे लग रहा है कि इसमें बैटरी फुल चार्ज नहीं हुई। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 220 के ऊपर लगाएंगे और 10 मिनट इसको लगा रहने देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि 220 के ऊपर लगाने के बाद भी क्या ये लो बैटरी ही दे रहा है या ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अगर ये 220 हम वोल्ट इसको पूरे देंगे यानी पावर इसको देंगे और फिर भी अगर ये लो बैटरी दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ट्रांसफार्मर का मसला होगा। तो अभी हम ये दे देते हैं इसको, हमारे पास इसके अंदर 220 वोल्ट आ रहे हैं और इसको हम चार्जिंग पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमने चार्जिंग पे लगा दिया है और इसके ऊपर डेड वेट रखते हैं हम। तो अभी तो फिलहाल ये 5 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं, हम इसकी कैलिब्रेशन भी कर देंगे और कैलिब्रेशन के साथ साथ जब तक हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं जब तक हम चेक करते हैं कि 220 के बाद हमने इसका लो बैटरी की ऑप्शन आ रही है या नहीं। तो उम्मीद है कि इसके खाली बैटरी का ही मसला होगा और कोई मसला नहीं होगा। इस टाइम हम इसकी कैलिब्रेशन कर देते हैं। इसका पासवर्ड है 3658। ये वाले बटन इसके चल नहीं रहे, 3658, लेकिन ये बटन इसके जो है ना सही प्रेस नहीं हो रहे हैं। तो अब देख लेते हैं, अभी हम जो देख रहे थे एक दो मसला था इसका LB का, लो बैटरी का। अब जो मसला आ रहा है वो इनके कीपैड का बटनों का भी इशू आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि बटनों का जो इशू है वो क्या है, इसको हम इंडिकेटर को पहले खोलते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि ये बटन क्यों नहीं काम कर रहे, वो हम मज़ीद देखते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है अभी हमने वैसे खोला हुआ है, ये सारा अंदर से हिला हुआ है। ये इसका कीपैड का पूरा पैनल है, ये इसका कीपैड के पैनल है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी केबल जो है वो टूटी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी केबल जो है ये टूटी हुई है। तो एक तो इसका ये फॉल्ट है कि केबल का है, केबल हम लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या यानी मसला इसमें ठीक होता है या नहीं। बकाया टांके भी जो हैं थोड़े से लूज हैं, हम इसको केबल को अभी हम फोल्डिंग कर देते हैं। Thank you.
ये लग गया है। अब हम दोबारा इसको लगा के चेक कर लेते हैं। ये फ्रेंड अब हम ऑन करके देखते हैं, हमने पावर की केबल इसकी उतार दी थी, अब हम दोबारा पावर लगा के चेक कर लेते हैं एक दो बार। अभी इसके बटन जो है वर्किंग कर रहे हैं। जी फ्रेंड अब इसकी हम एक दफा कैलिब्रेशन कर लेते हैं। 3 8 टियर 1 टियर, ये कार 2 आ जाएगा। जब कार 2 आएगा तो हमने डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है, उसके बाद हमने टियर के बटन को प्रेस करना है। जब 3 आएगा यहाँ पे हमने डेड वेट की वैल्यू लिख देनी है। डेड वेट की वैल्यू इस टाइम हमने 5 kg का डेड वेट रखा है, तो 5.000। उसके बाद फिर टियर के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर इसकी फुल कैपेसिटी है 30,000। उसके बाद 5 के ऊपर इसके 3 पॉइंट हैं, डेसिमल पॉइंट हैं। उसके बाद फिर हमें प्रेस करते हैं, 6 आ गया। 6 के ऊपर ये इसकी डिवीज़न है। फिर हम करेंगे तो ये इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है। दोबारा हटाते हैं, दोबारा हम रखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि 5 kg ये पूरा इफ्रेम हमें बता रहा है। तो जी फ्रेंड अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो LB का एरर आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो बैटरी है वो इस टाइम लो है। तो अगर अब हमने पावर की केबल लगाई है, इस टाइम भी अगर LB का एरर आ रहा होता तो इसका मतलब है, हमें कंफर्म होता कि ये इसकी जो बैटरी है उसका मसला नहीं है, ये इसके ट्रांसफार्मर का मसला है। ट्रांसफार्मर का मसला है या इसकी पावर सप्लाई का इशू है, जो कि हमें बैटरी को वोल्टेज दे रही है और बैटरी को चार्ज कर रही है। इस टाइम जो बैटरी को हमारे वोल्टेज आ स्टेबल हमें बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये इस रिपेयरिंग की समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों को रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।